हेलो फ्रेंड्स, मैं रीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप अपने बच्चों के स्वेटर, कैप्स, फ्रॉक्स किसी पर भी डाल सकते हैं और ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके लिए आपको मल्टीपल ऑफ 4 के हिसाब से फंदे लेने हैं और प्लस 3 एक्स्ट्रा फंदे एड ऑन कर लेने हैं। इस पैटर्न के लिए ये मैंने 11 फंदे लिए हैं। अब मैं सेकंड कलर का वूल अटैच करने जा रही हूँ। अब हम सेकंड कलर से 3 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, फिर हम 3 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, 3 फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे। ये हमारी रो 2 है, रॉन्ग साइड। जो फंदे हमने सीधे बुनाई किए थे वो फंदे हम फिर से सीधे ही बुनाई करेंगे और जो फंदे हमने बिना बुने उतारे थे वो फंदे हम उतार लेंगे। अब हम 3 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनाई करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे। अब ये हमारी रो 3 है, राइट साइड। जैसे हमने रो 1 बनाई थी वैसे बनानी है। हमने 3 फंदे सीधे बुनाई करने हैं। ये हमने सेकंड कलर से 3 फंदे सीधे बुनाई किए, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, फिर हम 3 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, 3 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। अब हम रॉन्ग साइड आ गए। ये हमारी रो 4 है, जैसे हमने रो 2 बनाई थी वैसे बनानी है। 3 फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनाई करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे। ये देखिए, अब ये हमारी रो 5 है। अब हम ये जो बीच में जो हमने फंदे बिना बुने उतारे थे, इस कलर से हम ये 1, 2, 3, ये 3 फंदे हम बेस कलर से बुनाई करेंगे और ये वाला फंदा हम उतारेंगे। तो हमारा पहला फंदा हम बेस कलर से बुनाई करेंगे। एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। अब एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। अब हम 3 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, 3 फंदे हम सीधा बुनाई करेंगे।
एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, आखिर का एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। ये हमारी रो 6 है, रॉन्ग साइड। इसमें जो फंदे हमने बिना बुने उतारे थे वो फंदे उतार लेने, बाकी फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे। हमने एक फंदा सीधा बुनाई किया, धागा आगे करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, फिर हम तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, आखिर का एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। अब हम राइट साइड आ गए। अब हम एक फंदा सीधा बुनाई किया, ये फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है, फिर हम तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, फिर आखिर का एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। अब ये हमारे रो 8 है। हमने जो फंदे उतारे थे बिना बुने वो उतार लेंगे, बाकी फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे। एक फंदा हमने सीधा बुनाई किया, धागा आगे किया, एक फंदा बिना बुने उतार लिया, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, फिर हम तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, आखिर का एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। ये देखिए हमारा ये 8 सलाइयों का पैटर्न अब कंप्लीट हो गया। अब हमने फिर से जैसे पहली सलाई बनाई थी, ये तीन फंदे हम सेकंड कलर से बुनाई करेंगे, ये फंदा हम उतार लेंगे, फिर ये फंदे हम सेकंड कलर से बुनाई करेंगे, ये फंदा बिना बुने उतार लेंगे। ऐसे इस खूबसूरत पैटर्न को आप बनाएं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।